मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रोते हुए ब्लॉग बनाऊं। तो गाइस आज हमारे घर में खास मेरे भाई की फरमाइश पे बन रहे हैं आलू के पराठे। इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, मसाला, मिर्ची, सब कुछ मिला दिया है। तो बनाते हैं और भाई को खिलाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बच्चे दिन के एक और आज मैं अपना व्लॉग 1 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई के साथ अभी तक बात कर रही थी और उसके लिए आज मैंने पराठे भी बनाए, जो कि आपने इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा। जो मैंने पराठा बनाया था वो भी बहुत मस्त बना था, लेकिन मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मेरे जो हाथ थे वो आटे से और उसके पेस्ट से बिल्कुल गंदे हो रहे थे, तो मैं फोन पिक नहीं कर सकती थी और आसपास भी कोई नहीं था, इस वजह से वो क्लिप आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन जो पराठे थे वो बहुत ही यम बने थे, मजा आ गया खा के मुझे भी और सबको भी। तो मैं सबके रिएक्शन भी आपको खुद ही बता रही हूँ। और अभी ना बज रहे हैं दिन के एक और मैं जा रही हूँ अब गुल्लू को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आज दीदी की छुट्टी है। मतलब वो चाहती है कि मैं जाऊँ, उसकी छुट्टी नहीं है बट वो चाहती है कि मैं उसको लेने जाऊँ। तो मैं उसको जा रही हूँ लेने और उसको लेके आके फिर आपसे मिलती हूँ। और आज ना इस व्लॉग में मैं एक बहुत ही प्यारा सा चैलेंज करने वाली हूँ जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो प्लीज़ ये व्लॉग एंड तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू। बहुत दुखी हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रोते हुए ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है। रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। हंस क्यों रही है? Why are you laughing? रोने का रीजन बता नहीं सकती। गाइस रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आंखों में मिर्च लग गई है तेल से। दीदी ने अत्याचार किया है अभी मेरे पे, पूरे घर में ऐसे तेल तेल का धुआं हो गया है और उस धुएं से ना बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। मेरी आंखों में इतनी मिर्ची लग गई है ना, इतनी मिर्ची लग गई है मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत मिर्ची भी लग रही है आंखों में। 3 से 4 बार मैं अपनी आंखें धो के आ गई हूँ लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करूँ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। तो दीना अभी ऑयल गर्म कर रही थी और वो जो कच्ची धानी वाला ऑयल होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा ऐसी आंखों में मिर्च लग जाती है, लेकिन उतना ही बोलते हैं कि वो तेल प्योर होता है, बट उसकी प्योरिटी के चक्कर में हमारी आंखों की तो लग गई ना। क्यों रो रही हूँ? ऐसे नहीं रोते, ठीक है? चुप हो जाओ। गुल्लू कैसा लग रहा है? मिर्ची लग गई मुझे बहुत तेज। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जाने। आपको तो इतनी लगी भी नहीं जितनी मुझे लग रही है, दिखाना अपनी आंखें। ओहो बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, बट मेरे से ज्यादा नहीं लग रही है। आपको पता है, आपको मेरी आंखें देखो। यहाँ किसने बोला आपको आने के लिए? ये अत्याचार किसने किया हम पे? नानू ने नहीं, मम्मा ने तेल गर्म किया है। आपका ट्यूशन हो गया खत्म? अभी तो 4 बजे। पढ़ाई कर रहे हो आप अच्छे से, मन लगा के? पक्का? यस। ओके। गुल्लू का लुक देखो जरा, निक्कर और बनियान में। खत्म हो गई क्लास? कितने बजे खत्म हुई? 7:30 बजे। और अब कहाँ जा रहे हो आप? साइकिल चलाने। साइकिल चलाने, अरे वाह, मम्मा के साथ? हाँ। जाओ फिर। और कुछ समझ में आ रहा है ट्यूशन में? अच्छा पढ़ा रही है मैम, सही से पढ़ा रही है? मामू ऊपर होगा, बोलना उठो, अगर सोया होगा तो बोलना कि उठ जाओ, साइकिल चलाने के लिए आ जाओ नीचे। ट्यूशन पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे गुल्लू ने सारा अपना सामान फैलाया हुआ है। तो गाइस मैंने सोचा था कि आज मैं कोई चैलेंज वीडियो शूट करूंगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे दिन में आ गई थी बहुत ज़्यादा नींद और मैं सो गई थी, और अब भी उठी हूँ मैं 6 बजे के करीबन, और उसके बाद दीदी और मैं बातें ही कर रहे थे बैठ के दीदी के फ़ोन से, और जो दूसरा इनिशिएटिव लेने वाला था चैलेंज वीडियो में वो यहाँ पर बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है। एक्चुअली गुल्लू के साथ यहाँ पर बैठा है क्योंकि वो साइकिलिंग कर रही है ना। गाइज अभी मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ दीदी के फोन से, क्योंकि मेरे जो फोन का स्पेस है वो खत्म हो चुका है। अपने वाले फोन में ना मुझे यही परेशानी आती है कि उसका हर 2 दिन बाद स्टोरेज फुल हो जाता है और उस पर एरर आ जाता है, फिर ना मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ और ना ही वीडियो बना पाती हूँ। और इसीलिए मेरा ज़्यादातर ऐसा रहता है कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाती क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज ही इतना ज़्यादा हो जाता है। मतलब है उसमें कुछ नहीं, थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स हैं। एक्चुअली उसका जो स्टोरेज है ना
वो कम है, 64 GB का है, उसमें थोड़ा बहुत जो भी डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वगैरह होती हैं वही सेव होने से उसका इतना ज़्यादा स्पेसफुल हो जाता है कि फिर उसके बाद में कुछ बना ही नहीं पाती। और अभी भी मेरे को दुख हो रहा है, मुझे फ़ोन दिला दो, ले लो दो, मेरा ले लो, तुम्हारा ले लूँगी। अनी जी अंदर आओ, गुल्लू बाहर से आवाज़ लगा रही है, पानी दे दो मैडम, चलाने दे थोड़ी देर और, सही है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ना बच्चों की, देना पानी, पानी यहाँ मिलेगा, मतलब ग्लास तो वाइट वाली बॉटल। गुल्लू के लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ, लो मामू को दे देना फिर, हाँ बॉटल अपनी बना रही हूँ, मटर पनीर की सब्जी। यस मटर पनीर पहले गर्म कर लिया, कम कर दूँ? यस तेल तो गर्म हो गया, क्या चाहिए और पानी, टंकी से पाइप लगा दूं मैं? हाँ दी यार भरना इस पे पानी जरा, अच्छा ढक्कन तो खोल दो उसका, पर्स निकाल दो बस, मेरी वजह से तुम्हारी लहसुन गिर गई, तुम्हारी लहसुन ऑलरेडी गिरी हुई थी इसलिए गिर गई। गाइस हमारा फिल्टर ना चूरा है, अभी इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक करवाने के लिए कल हमें बुलाना पड़ेगा, जो भी फिल्टर ठीक करते हैं उनको कॉल करेंगे कल और उनको बुलाएंगे फिर ठीक करवाएंगे, अभी थोड़े दिन पहले ही ठीक करवाया था वैसे हमने, फिर से ख़राब हो गया। चला ली साइकिल? चला ली, अरे यहाँ देख पसीना, ये पसीने आ रहे इतने, इतनी गर्मी में साइकिल चलाऊंगी तो यही होगा ना, पतले ही हो आप, मोटे थोड़े ना हो, जब मुंह धो के आओ किसी को प्यासा होता है ना पानी पिलाना चाहिए, का काम होता है। किसी आम आए हमारे गांव से जुगती थी, अभी काट रही है चट्टी के लिए, चट्टी के लिए कट कर रही हूँ, फिर मौसमी दे दी, बना रही है यहाँ पे चटनी और यहाँ पे कटिंग हो रही है मैंगोज की। तो गाइस दी ने बनाई है यहाँ पे चटनी जो कि बन चुकी है और इसमें ना बहुत सारे गांव के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं। एक साइड दीदी यहाँ तिल भुन रही है जो कि चटनी में डालेंगी और इसका जो टेस्ट है ना उसके बाद और दुगना हो जाएगा क्योंकि गाँव की सारी चीज़ें हैं, धनिया पुदीना भी और ये तिल भी। किचन में काम करना आजकल बहुत मुश्किल है गर्मियों में क्योंकि पसीना ऐसे बहता है जैसे पाइप से पानी नहीं डाला होता। दी बना रही है अभी सब्जी वगैरह और चटनी वगैरह, फिर मैं बनाऊंगी रोटी क्योंकि एक बंदे की आफत आ जाती है भाई। रात के बज रहे हैं 12 और इनका चल रहा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, देखना ये है कि कौन बेटर स्केच बना सकता है। स्केच बना रहे हो ड्राइंग बना रहे हो बना क्या रहे हो, ये तो बताओ किस चीज का ड्राइंग बना रहे हो, सीनरी। ओ चलो चलो बनाओ बनाओ, आप तो भूल भुलैया हो मैंने सुना है, इमेजिनेशन जीरो है आप। सोचो सोचो सीनरी कैसे बनानी, बच्चे से चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं करनी भाई, किसी के लिए चीटिंग अलाउड नहीं है, जल्दी से फटाफट। और आपके पास है 15 मिनट, 15 मिनट में जल्दी से अपनी सीनरी कंप्लीट करनी है। यस 15 मिनट चैलेंज ही यही होता है, ऐसे थोड़ा ना कि आधा एक घंटा भी देता तब तो कोई भी बना लेगा, तब तो मैं आंख बंद करके बना सकती, बताओ अपनी। ये ले देख ले, दिख नहीं रही क्या? मैं तो अपनी बनानी स्टार्ट भी करती। चलो चलो जल्दी, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक दूसरे पे ध्यान मत दो, जल्दी जल्दी बनाओ। तो यहाँ पे अभी कटोरा बनाने की कोशिश हो रही है, डिस्टर्ब मत करिए आप हमें। और यहाँ पे तो अच्छी स्टार्टिंग हो रही है सिंगरी बनाने की, एक नहीं बना कर चला। तो चलो पहले देखते हैं साहिल क्या बना रहा है। ओ ये तो उल्टी छतरी बना रहा है। बनाने दो ना, आप अपना बनाओ, मामा अपना बनाएंगे। चीटिंग नहीं करने का, कुछ भी सिमिलर नहीं है, पहले बोल दिया ना मैंने, कुछ भी सिमिलर नहीं है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। और यहाँ पे कप का टाइम स्टार्ट हो चुका है और 2 मिनट हो चुके हैं। तो गाइस अब मैंने इतना सारा तो बना ही चुका है, आधा भी बाकी है, जल्दी से फिनिश करो, टाइम हो रहा भाई। इरेजर वहां रख देते हो। गाइज यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट होने ही वाले हैं और इनकी ड्राइंग अभी थोड़ी थोड़ी हुई है, 5 मिनट बचे हैं और फिर देखते हैं कि कौन कितना बना पाता है। हरी अप हरी अप हरी अप, 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करो, मुझे तो लग रहा है मामा जीतने वाले हैं, मामा जीत जाएंगे।
जीत जाएंगे हम। ना ब्लैक स्केच पड़ रखा है मेरे बैग में। अच्छा तो गाइस सिर्फ एक मिनट बच गया है और ड्राइंग भी कंप्लीट होने ही वाली है। तो सभी ने तो अपनी ड्राइंग कंप्लीट ऑलमोस्ट कर दी है और मामा जी भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी दिखा रहे हैं अपने ड्राइंग को पूरी करने के लिए। और अभी बस एक मिनट रह गया है, एक मिनट बाद देखते हैं कितना कर पाते हैं। एशियन पेंट वो कर रहे हैं, ये गोबर लपोड़ रहे हैं, कलर तो ही दिख रहा है। तो यहाँ पे मामा जी की खाली दीवार नजर आ रही है देखिए। और यहाँ देखिए जिसको ये फ्लावर बनाने नहीं आता। अरे भाई तूने देखी मेरी ड्राइंग? मेरी ड्राइंग देखी है तूने? करी नहीं कभी तो देखी। अभी तुझे फ्लावर बना के दिखाऊंगी इसके बाद। तुम्हारे मुंह पे ताला लगाना जरूरी है। गुड 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 सत्या, गुड, वेरी गुड। हो गया ब्लैक स्केच कंप्लीट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी सीनरी को पूरा कंप्लीट किया और मामा जी ने तो सिर्फ दीवार ही खाली रखी। अभी आउटलाइन करी है सिर्फ। दीवार खाली रखी आपने, ये देखिए व्हाट इज दिस, क्या क्या है आपके, आपकी सीनरी में है क्या सिवाय सिवाय एक बोट के है क्या, पहले ये बता है ये है क्या, यहाँ पे शिव जी आने वाले तपस्या करने। स्टॉप, टाइम हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट और एक बजने वाले रात के, और मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने आलती पालती मार कर बैठ रखी थी ना मैं बहुत देर तक, तो इसलिए। और अब देखते हैं मौसी का रिएक्शन। मौसी आ गई, बस अब आने वाली है मौसी। गाइस मौसी आ चुकी है, हमारा रिजल्ट। जज आ चुके हैं। तो गाइस जज आ चुके हैं। तो यहाँ पे जजेस आ चुके हैं और जजेस नहीं, मैं एक ही जज हूँ, मैं जज हूँ। मैं भी हूँ ना, आई डोंट हैव, मैं भी तो, मेरे भी वोट जाएगा भाई। और क्या, ऑलराइट। और नंबर है 100 में से आप कितने भी दे सकते हैं। किसकी ड्राइंग आपको अच्छी लग रही है, किस किसने ड्राइंग बनाई है? मैं, मेरा येलो वाला। साहिल ने बनाया है। एक साथ बैठो ना, येलो वाला मेरा है, मेरा। और ग्रीन वाला मामू का, पहले निकाल लेते हैं ना दोनों। किसका देखो, तो पहले मामा को देखो, पहले मामू को देखो। ये क्या है? ये क्या है? बादल है, पंछी है, सूरज है, ये कोई किला है? ये किसके, तेरे किले है? मुझे तो लिपस्टिक लग रही है। इमेजिनरी किले बना हुआ है। लिपस्टिक का ढक्कन खो गया है बस। अच्छा नाइस। उसका इलाका है मतलब समुद्र का। ठीक है, तो पहली पेंटिंग हम देख चुके हैं गाइस, ये मेरी पहली पेंटिंग जो कि साहिल ने बनाई है। एंड ओ वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छी बनाई है इसने, चीजें ज्यादा बनाई है है ना, ये बनाई नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ वो नहीं बनाया बट बाकी चीजें तो बनाई है उसने। फिश उसने पूरा यूज किया है, पहाड़ बनाया है, सन बनाया है, क्लाउड बनाया है, फूल बनाया है और क्यारी भी बनाई है फूल की, नदी भी और पेड़ बनाए, नदी बनाए, घर बनाया। एक ही फिश है आपकी नदी में, बाकी फिश नहीं है। बाकी मछुआरों ने ले ली बाकी। नाइस ब्यूटीफुल भाई, दोनों ही पेंटिंग बेहतरीन है, अच्छी है। वैसे साहिल की पेंटिंग मैंने देखी है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे थोड़ी ज्यादा थी। मुझे लगा तो अभी बाहर बना रहा था ना कुछ, तो मुझे लगा तू वैसे ही कुछ बना रहे, अभी बाहर बैठ के पेंटिंग नहीं कर रहा था। और गुल्लू की पेंटिंग इसलिए ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो छोटी भी है और उसने चीजें भी बहुत सारी ऐड की है। तो अच्छा स्टार भी दूं, ओके 1 स्टार मिला है तुम्हें, लो। और गुल्लू को 100 में से 100। और आपको कितने स्टार दूं गुल्लू में? कितने भी दे दो। 1, 2, 3 बच्चों को यही पसंद होता। ओ भाई साहब कितने सारे स्टार मिल गए। और प्राइस तो बता दीजिए। प्राइस दोनों को चॉकलेट मिलेगी, 1-1 डेयरी मिल्क। ठीक है, कितने वाली 10 वाली, 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 10
दोनों को एक एक चॉकलेट। नहीं मुझे दो मिलेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा चीजें। चलो दो ले लेना।